इसका इंतजार था, वो मंजर आ चुका है। आप देखें, मैं उस तरफ अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कैफ अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ सोकवा की फल वकरा में, कल भी आया था लेकिन आज दिन में आया हूँ। दिन में क्या, एक घंटा मेरे पास है शाम ढलने में, तो अगर इस एक घंटे के अंदर मुझे रास्ता सही मिल गया बीच पे जाने का, तो मैं आपको बीच का वो सुनहरा मंजर दिखा सकता हूँ जो रात में नहीं देख पाया था मैं। तो फ़िलहाल मैं उसी तंग गलियों से होते हुए बीच की तरफ बढ़ रहा हूँ निशान को देखते हुए। सी साइड मिल गया रास्ता, इसका इंतज़ार था, वो मंजर आ चुका है। आप देखें, मैं उस तरफ पहुंच गया हूं। कुछ नज़ारा आप देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है। मेरी आंखें जो नज़ारा कैद कर रही हैं वो फ़ोन में नहीं हो आ पा रहा सही से, लेकिन आप ये मंजर देखें, क्या खूबसूरत मंजर है। आज भैया सही टाइमिंग मिली है मुझे, आज मैं एक साइकिल दिखाऊंगा। मैं साइकिल से आया हूँ और एक नीचे हमारे फ्लैट के रहते हैं तो उनसे मैंने उनकी साइकिल मांग ली थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी पहुँच गया और सही टाइमिंग पर पहुँचा हूँ। बारिश जस्ट अभी रुकी है और मौसम काफ़ी ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पर, आप सीन कुछ देख सकते हैं क्या है। तो कहना ये है कि अब मैं आपको यहाँ का बीच दिखाऊँगा, कल मैं बर्ड्स दिखाए थे तो आज दूसरे दिन आया हूँ सही टाइमिंग पर, और इस टाइम आपको मैं कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाऊँगा जो कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे ये घर के कितने करीब हैं। और मुश्किल से मुझे 10 मिनट लगा साइकिल से आने में, फ़ौरन मैं पहुंच गया। तो फिर अब शूज़ पहने हुए हैं, सोच रहे हैं कि अंदर कैसे जाएं, जाना तो है और मैं जाऊंगा, तो फिर चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर बोटों को यूँ रखा गया है और लाइन से आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर मज़े लेते हुए मौसम का और समंदर का, बच्चे खेलते हुए। तो मैं भी बस करीब में ही आ गया हूँ इसके, देख सकते हैं आप, जिधर देखिए पानी ही पानी। तो मैं पहना हुआ हूँ शूज़, मैं सोच रहा हूँ उतारूँ इसके अंदर जाऊँ, लेकिन अभी पूरा पैर जो है वो मेरा गीला हो जाएगा कल की तरह, और फिर पूरी मुसीबत हो जाती है उसको सुखाने में। लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, पैर भिगाऊँगा बाद में, पहले थोड़ा यहाँ पे मज़ा कर लिया जाए। तो अगर आप फ़िशिंग के शौकीन हैं तो वहाँ आप जा सकते हैं, फ़ोन में सही से आ नहीं रहा है लेकिन आप देख सकते हैं वो फ़िशिंग यार्ड है, वहाँ पे लोग फ़िशिंग करते हैं, और जितनी बोटें खड़ी हैं वो सारी की सारी उधर खड़ी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चल के आपको बोट दिखाई जाए, यहाँ का नज़ारा तो आपने देख ही लिया। नज़र आप इधर का देख सकते हैं, लोगों ने अपनी बोट खड़ी की हुई है, पूरा अंदर वहाँ भी पूरी खड़ी है, उस तरफ भी खड़ी है, तो यहाँ सिर्फ बोट ही बोट है। लेकिन मेन ये कुछ भी नहीं है, मेन उस तरफ है जिस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन एक नज़ारा आपको मैं रास्ते का यूँ दिखाते हुए। ब्लैक वाली देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, गाइज़ हुआ ये कि आप पीछे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से लगा हुआ है और यहाँ रोका जा रहा है क्योंकि जिनके पास बोट है वही जा सकते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा करना पड़ा। बाकी बोट यहाँ पे खड़ी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और खल रहा है यार इतना दूर आके, अब दूर क्या मतलब करीब नहीं आके कि वहाँ तक नहीं जा सकता मैं, बाकी खैर कोई बात नहीं। तो आप कुछ ये नज़ारा आप देख लें एक बार, फिर हम चलते हैं और अपने पैरों को भिगाते हैं। अभी उन्होंने जब मुझे वीडियो बनाते हुए देखा, अभी उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा आगे जा सकते हो, तो मैं उससे 10 कदम थोड़ा आगे आ गया, और सीन देख सकते हैं आप, पीछे मेरे बोट खड़ी हुई है।
देख सकते हैं आप क्या खूबसूरत नज़ारा है गाइस। तो एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जगह जगह पे पूरा लाइन से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे जालियाँ लगी हुई हैं। तो ये तरीके से ब्रेकर है कि आप उसके आगे नहीं जा सकते। तो अभी प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं वहाँ किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ बैठेंगे और चाय पियेंगे। तो फिर मिलते हैं अब आपसे सीधे चाय के साथ। वो रहे ऊंट, वो देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक कारें हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रथ आप कह लें इसे, जो भी कह लें कुछ इस तरह से है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लगता है। बच्चों की मुझे लग रही थी, लेकिन इसमें हम भी बैठ सकते हैं और पूरे बीच का आप सफ़र कर सकते हैं, इससे मज़ा ले सकते हैं। तो सीन कुछ ये है कि मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, ठंडी ठंडी चल रही है, बारिश हुई है अभी तुरंत, और इसलिए मैं जगह देख के बैठा हूँ, यहाँ पीछे आग जल रही है जिसकी वजह से काफ़ी आराम मिल रहा है, और साथ में ये कर गर्मा गर्म मज़ा ही लगा। तो फिर लोग बैठे हुए, थोड़ा अजीब लग रहा है वीडियो बनाते हुए। फिर हम मिलते हैं आपसे डायरेक्ट एंड में चाय पीने के बाद। चाय वाय हो चुकी है और अब निकल रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं कि बारिश फिर कब हो जाए, अभी को ही है तो अब निकलना ही बेहतर है। ये जो करक मैं पिया हूँ ये 5 रियाल की थी, कल वाली 3 रियाल की थी, आज वाली उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी कल वाले से। जाहिर सी बात है पैसा लगता है तो चीज़ अच्छी मिलती है। तो फिर अब मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस चीज़ से आया था, हम अपने सैयारे को दिखाएंगे। चलें इधर चलता हूँ मैं, सीन देख सकते हैं आप कुछ, ये कुछ शॉप आप देखें, फ्रंट कैम बैक कैम बस दिखाता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ और अब जा रहा हूँ अपने सैयारे की तरफ। आपको बता दूँ सैयारे यहाँ पे गाड़ी वगैरह कहते हैं, मतलब ख़ास तौर से कार को कहते हैं सैयारा, लेकिन मैं आया था साइकिल से। और भाई मुझे नज़र तो नहीं आ रही कहीं, ऐसा तो नहीं कि इंडिया की तरह यहाँ पे भी हो गया हो, क्योंकि उसमें लॉक वगैरह नहीं था। तो देखते हैं किस्मत क्या होती है, क्योंकि दूसरे की थी यार, पैसा भरना पड़ेगा उसे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, आपको दिखाता हूं कि जहां मैंने खड़ी की थी वहीं की वहीं खड़ी है। अब आप देखें तो आप देख सकते हैं विदाउट लॉक की साइकिल, देख लो आप, लॉक वगैरह नहीं है इसमें, और जिस तरह से खड़ी की थी उस तरह से मुझे मिली है। तो हम अपनी सवारी पे बैठ चुके हैं और अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो चलते चलते वीडियो बनाने में रिस्क है, तो अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर न्यू वीडियो में, ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा, अस्सलाम वालेकुम।